मैं प्रिया आपके साथ। दमोह के गंगा जमुना स्कूल का विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन गया है। AIIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और BJP पर हमला बोला है। हैदराबाद में एक सभा में ओवैसी ने कहा, स्कूल ने प्रचार किया कि हमारी बच्चियां अच्छे नंबर से पास हुई है, बच्चियों ने स्कार्फ पहना था। CM ने कह दिया, हम अपनी भांजियों और भतीजियों को जबरन हिजाब नहीं पहनने देंगे। उस स्कूल पर कार्रवाई कर दी गई। कलेक्टर दमोह ने ट्वीट कर कहा कि सब गलत खबरें हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर वहाँ स्याही फेंक दी गई, बोला गया तुमने गलत रिपोर्ट दे दी। ओवैसी के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार कर कहा, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी को साक्षी पर बोलते नहीं सुना, दबाव पर लंबी तकरीर कर रहे हैं, साक्षी श्रद्धा पर तकरीर नहीं की, उनकी ये पीड़ा है, उनकी यही मानसिकता जिहादी कहलाती है, जातिगत राजनीति कहते हैं। दमोह में पासपोर्ट की जांच के आदेश दिए हैं, कब कब विदेश गए इसकी जांच के लिए SP कलेक्टर को सारे निर्देश दिए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मध्य प्रदेश के दमोह में एक गंगा जमुना स्कूल है, स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ अच्छे नंबरों से पास हो गई। एक बच्ची की फोटो दुपट्टा डाले हुए दिखी तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया कि मैं अपनी भांजी के ऊपर जबरदस्ती हिजाब डालने का विरोध करता हूँ। गंगा जमुना स्कूल की मान्यता कैंसिल कर दी। दमोह के कलेक्टर वहाँ गए, कलेक्टर ने जाकर देखा तो पता चला कि ऐसी कोई जबरदस्ती की ही नहीं गई, किसी को हिजाब नकाब या दुपट्टा पहनने का प्रेशर नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। SP ने कहा झूठ है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री बोले कुछ तो है। इसके बाद वहाँ पर उस जिले के BJP के सदर ने जिला शिक्षा अधिकारी जब अपने दफ्तर जा रहे थे, उनके मुंह पर काली स्याही फेंक दी कि तुमने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहाँ हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, कलेक्टर बोल रहा है, SP बोल रहा है, लेकिन इनको नफरत है मुसलमानों से, नफरत है हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती है, इससे बदतर और क्या हो सकता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।